माहित एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए हमारा मन करता है और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना करके देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। अब ये देखिए सेटअप दे रखा है और इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें से सही ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम रिबन बल्ब्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीथेन गैस रिलीज्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कम्बशन ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, CH4 प्लस 2O2 गेव CO2 प्लस 2S2। क्वेश्चन नंबर 3, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्डर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू मेक द सरफेस लेयर ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर मेक्स इट ए स्टेबल बिल्डिंग मटेरियल। तो इसका सही आंसर है आपका डी, इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑप्शन सी वाला है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इज शोन बिलो, होमोलोगस सीरीज ये दे रखी है, अब इसमें बताना है विच ऑफ दिस कंपाउंड इज पार्ट ऑफ द सीरीज शोन अबव, इसमें से कौन सा पार्ट है होमोलोगस सीरीज का, तो ए आंसर सही है C2H2। तो इसमें सेकंड मेंबर से शुरू है तो फर्स्ट मेंबर C2H2 इसका होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज एक्स इन रिएक्शन, रिएक्शन में ये एक्स क्या है, तो एक्स है इसमें हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दीज स्ट्रक्चर्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स जर्म्स एंड केमिकल्स एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग स्मोकिंग एंड लाइकली टू कॉज इन्फेक्शियस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट फॉर एक्सप्लेन द फैक्ट। तो इसका ए आंसर इज सही करेक्ट है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सेरिबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस
of the body. Which of these actions is controlled by the cerebellum? तो इसका डी आंसर सही है, जंपिंग फ्रॉम अ हाइट. क्वेश्चन नंबर 10. अ स्टूडेंट while observing an embryo of germ seed listed various part of the embryo as listed below. Test. On examination the list, the teacher commented that only three part are correct. Select these three correct parts. तो इसमें B answer is correct. Cotyledon, plumule or radical. Next question. A cross between pea plant with white flowers and a pea plant with violet flowers, capital BB, resulted in F2 progeny, in which the ratio of violet, capital V wale, and white, small v, flowers will be, ये 1:1 होंगे. Next question. A student wants to obtain an erect image of the object using a concave mirror of 10 cm focal length. What will be the distance of the object from mirror? तो इसका A answer correct होगा, less than 10 cm. 13. The phenomena of light involve in the formation of rainbow are. C is correct, refraction, dispersion and internal reflection. Question number 14. Choose the option given correct matching the items given in column first and second. इसमें से करेक्ट मैचिंग चूज करनी है. तो करेक्ट मैचिंग चूज करने के लिए क्या करेंगे इसमें, तो इसके करेक्ट मैचिंग होगी बी वाली, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड. क्वेश्चन नंबर 15. एक्स इन द गिवन फूड चेन इज, एक्स क्या है इसमें, तो एक्स है टर्सरी कंज्यूमर. क्वेश्चन नंबर 16. Which of these statement is incorrect about the balanced ecosystem? कौन सा इसमें करेक्ट है, तो सी इज सही करेक्ट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ये गलत हो गया यहां पर, ये यहां ये आंसर नहीं है, ये वाला सी आंसर है 16. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट बट प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ये इनकरेक्ट है सी वाला. क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है और आंसर एबीसीडी में देना है. तो असर्शन है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी करेक्ट है. और रीजन है क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाइगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये भी करेक्ट है. तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 18. करेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंटल प्लांट्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट है स्टेटमेंट. और रीजन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस, ये भी करेक्ट है. तो इसका भी आंसर ये वाला ए सही होगा. इनके आंसर एबीसी में लिखना होता है और इसके ये असेंशियल रीजन ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं लिखना होता, बस केवल एबीसी में आंसर दे दीजिए, ऊपर लिखे हुए हैं जैसे ये एबीसीडी, इनमें ही आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन है अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट
conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of a magnetic field. तो इसका assertion एक सही है और reason है दे रखा है the net charge on a current carrying conductor is always zero. तो इसका ये आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका बी आंसर सही होगा. 20 है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. तो ये सही है इसका असर्शन. रीजन दे रखा है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ एंड वर्क इंडिपेंडेंटली इन ऑल इकोसिस्टम. ये रीजन इसका फॉल्स है. तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति मिक्स एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 विल दिस लीड टू ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जस्टिफाई योर आंसर. तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो सी का आंसर देखते हैं क्या है. तो आंसर है यस, दिस विल लीड टू ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आयंस एक्सचेंज प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट सोडियम आयंस इन द सोडियम सल्फेट बॉन्ड विद द क्लोरीन आयन इन कॉपर क्लोराइड एंड बीच में ये कॉपर क्लोराइड एंड अ कॉपर आयन बॉन्ड्स विद द सल्फेट आयन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट. अब देखो बीच में किसी की मिस कॉल आ गई, इसको बंद करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, वन इन द डार्क एंड अदर सनलाइट, अदर इन सनलाइट. इट वॉज ऑब्जर्व दैट प्लांट्स केप्ट इन द डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर. गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. अब दो प्लांट को रखा अलग अलग, एक डार्क में रखा और दूसरे को सनलाइट में. तो अंधेरे में रखा हुआ ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाया, इसका आंसर देना है. तो आंसर ये है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन. द प्लांट केप्ट इन द डार्क वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू जेनरेट सम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द प्लांट आफ्टर रेस्पिरेशन वॉज यूटिलाइज बाय द प्लांट टू फोटोसिंथेसाइज फूड. हेंस द प्लांट वॉज एबल टू सर्वाइव. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23. Give two reasons why bile juice is considered to be an important secretion for the liver in the process of digestion. इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे रखा है. What is the other name of tissue fluid right its to function? चलो दोनों के आंसर देखते हैं. Bile juice has bile salt.
such as Blurwin and Billywardine. These break downs large fat globules into smaller globules so that the pancreatic enzymes can easily act on them. This process is known as emulsification fast. Bile juice also make the medium alkaline and activates lipase. Optional question ka answer hai. The other name of tissue fluid is interstitial fluid. Iske function hai. Tissue fluid act as a middleman. It hands over food material and oxygen from the blood to the tissue cells and receives CO2, nitrogenous waste, hormone and other synthetic substance from the tissue cell and discharge them into blood. It also keep the tissue cell moist. तो इसके ये फंक्शन हो गए. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी. इधर साइड में दे रखा है ये. इज शोन इन द फिगर. विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम. Justify your answer. इसमें से कौन सा denser है? यहां से यहां रे जा रही है, A से B और B. दे रखा है, if the speed of light medium A is VA and B is BB, what is the refractive index of B with respect to A? अब इसका answer देना है. तो इसका answer ये. As it is clear from the figure, when the light ray travels from medium A to medium B, then it bends toward the normal, which means that B medium is optically denser than medium A. अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम A. तो म्यू A निकालेंगे C अपॉन VA और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे B का C अपॉन BV. ये आ गया. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B इज रेस्पेक्ट टू A, क्या होगा, ये होगा. दोनों को इक्वल रख देंगे, आंसर बीवी अपॉन म्यू वी अपॉन म्यू ए करेंगे इक्वल टू सी अपॉन बीवी अपॉन सी अपॉन वी ए. तो म्यू वी अपॉन म्यू ए इक्वल टू हो जाएगा यू ए अपॉन यू बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. Priya has a copper wire and an aluminium wire of the same length. Can the electrical resistance of the two wires be the same? Justify your answer. दो तार हैं, क्या दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे? जस्टिफाई करना है. और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन ये दे रखा है, नेम द पोल्स पी क्यू आर. इसमें पी क्यू आर के पी क्यू आर एस पोल के नाम लिखने, मैग्नेट्स इन द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी, इनके इनके आंसर लिखने हैं. अब देखते हैं आंसर. और इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो ऑप्शनल का है उसको आंसर करते हैं.
एरो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज ए कंपेयर टू सी एंड ई, एरो बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर इन कंपेयर टू डी. व्हेन ग्रीन प्लांट्स देखो गलत आंसर पढ़ लिया, यहां ये है 25 का आंसर. यस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर्स कैन बी द सेम, दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा. इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू वायर्स इज डिफरेंट, इफ थिकनेस ऑफ टू वायर्स इज डिफरेंट, ये इसका रीजन हो गया. ऑप्शनल क्वेश्चन है फिगर ए का. पी इज नॉर्थ पोल एंड क्यू इज द साउथ पोल. फिगर बी का आर इज द नॉर्थ पोल एंड एस इज द साउथ पोल. इन द गिवन डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोज दैट आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from the north pole of the magnet and merge at the south pole. मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट. अब क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एरोज इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. विच वन ऑफ द थ्री वर्टिकल एरोज ए सी एंड ई एंड विच ऑफ द टू हॉरिजॉन्टल एरोज बी एंड डी will represent more energy transfer. Give a reason for your answer. अब कौन सी ज्यादा एनर्जी देगा? अब देखिए ये दे रखे हैं A, B, A से B में, A से है ना, इधर प्लांट से A में जा रही है, B में जा रही है, B से C environment में जा रही है, D में भी जा रही है और E में भी जा रही है. अब देखिए इसका आंसर 26 का ऐसे लिखेंगे. एरो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर्ड सी एंड ई, एरो बी बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज अ कंपेयर्ड टू डी. When green plants are eaten by primary consumers, a great amount of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes toward the growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is made available for the next level of consumers. This loss of energy take place at every tropic level. Alternatively, in accordance with the 10% law of transfer of energy, in the food chain only 10% of energy available at one tropic level is transferred to the next tropic level. अब देखो ये अच्छी तरह याद कर लेना, इस साल ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा ही. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ Diluting a strong concentrate acid. B. Name the salt formed when sulfuric acid is added to sodium
हाइड्रोक्लोराइड एंड राइट एड्स पीएच। सी क्वेश्चन है, ड्राई एसीएल गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, व्हाई। अब इसका आंसर हम पढ़ते हैं। ए, द एसिड इज ऑलवेज डाइल्यूटेड बाई एडिंग द एसिड टू वॉटर स्लोली एंड विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग इन एडिशन टू इट। इट इज एडवाइज टू वियर ग्लोव्स एंड गॉगल्स एंड मेंटेन सेफ डिस्टेंस। बी का आंसर है, द साल्ट फ्रॉम formed when sulfuric acid is added to sodium hydroxide is sodium sulfate. Reaction hai NaOH plus H2SO4 gives to Na2SO4 plus 2H2O. C ka answer hai, the color of litmus paper changes only in the presence of ions like hydrogen ion or hydronium ion. HCl can produce these ions only in the form of aqueous solution. Hence, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. तो सूखी गैस कोई भी चेंज नहीं कर पाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A reddish brown metal used in electrical wires when powdered and heated strongly turns black when hydrogen gas is passed over this black substance, it regains its original color. Based on this information, answer the फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेम द मेटल दैट द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। बी है, राइट बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव इंफॉर्मेशन। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। The brown color metal is copper and black colored substance is copper oxide. When copper metal is heated in open china dish, then copper metal gets oxidized, CuO बन जाता है. When hydrogen gas is passed over the black substance, then CuO gets reduced. तो CuO plus H2 gives Cu plus H2O. अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में क्या देखा है, ए मेटल M ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड लिबरेट्स द गैस G. The same metal also liberate gas G when react with a base. अब इसका ये आंसर देना है, write the name of gas G. How will you test the presence of this gas? Write chemical equation for the reaction of the metal with first and acid एंड सेकेंड बेस। इसका आंसर है ये। ए है हाइड्रोजन गैस। ऑन बर्निंग ए बर्निंग ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अ पॉप साउंड इज हर्ड। सी, रिएक्शन विद एसिड जिंक plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2, NaOH plus zinc gives Na2ZnO2
प्लस एस टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेम द ग्लैंड एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय इट इन स्केरी सिचुएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। लिस्ट एनी टू रेस्पॉन्सेज शोन बाय आवर बॉडी व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इन टू द ब्लड। अब इस 29 का हम आंसर पढ़ते हैं। आंसर है ये हार्मोन है एड्रेनलिन। इनका फंक्शन है फर्स्ट इंक्रीज द हार्ट रेट, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, थर्ड है एक्सपेंड द एयर पासेज ऑफ द लंग्स और इनलार्ज द पुपल इन द आईज। कोई भी दो ऑप्शन लिखेंगे तो आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? एक्सप्लेन हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ स्पीसीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड की क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ये क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज इंश्योर्ड बाई द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। द डीएनए replication process is very efficient and error free which in turn maintain the stability of DNA. The chromosomes number is also maintained during reproduction by the process of meiosis during gametes formation. Question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 इज द डायग्राम गिवन शोन शोज एंड ऑब्जेक्ट ओ। ये ऑब्जेक्ट ओ है एंड इट्स इमेज आई और इसकी इमेज ये बन रही है। विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग। रे डायग्राम नहीं बनाए और बिना बनाए इसके आंसर दे दें। टाइप ऑफ लेंस, ये किस तरह का लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग दिख रहा है। नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेंड। इसमें ऐसी कौन सी है जिसमें इस तरह का आपको इमेज दिखता है? तो एक मैग्नीफाइंग लेंस है, हस्तरेखा देखने के काम आते हैं, और इसी तरह का उसमें माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेंड। सी क्वेश्चन है, लिस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नी इमेज फॉर्म्ड इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाई अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ एफ एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एफ वाई टू इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकस से आदि और डिस्टेंस पर ये मिरर पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो क्या होगा? तो इमेज भी सेम टाइप की ही बनेगी। अब देखिए 31, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है
इसका यूज होता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, अब जो स्पेक्स में भी यूज होता है ऐसे। करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर आर वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर है तो उससे पीछे बनेगी मिरर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, लिस्ट द फंक्शन ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स। बी है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 50 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब इसका आंसर ये है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। This means resistance increase with the increase in the length of the conductor. This is why long wire create more resistance to the electrical current. Second, area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. This means resistance decrease with an increase in the area of cross section of the conductor and vice versa. This is why a thick copper wire creates less resistance to electric current. थर्ड है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सम मटेरियल लाइक सिल्वर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल सम लाइक प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक न्यूमेरिकल दे रखा था इसमें जिसके रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है इक्वल टू 0.0001 मीटर। रेजिस्टेंस आर 10 ओम, रेजिस्टिविटी है रो 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आर है रो एल अपॉन ए, वैल्यू रखेंगे 10 × 314 × 0.0001 का स्क्वायर अपॉन 50 × 10⁸। तो आंसर आ जाएगा 0.628 मीटर। ये पाई की वैल्यू रख दी है यहां पर, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। अब देखो इसी के साथ ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है आपका। ये वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे, अभी एक वीडियो और डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो भी आप देखिएगा और इन क्वेश्चंस को लर्न जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने छांट के निकाले हैं अलग अलग गैस पेपर से। पेपर इस साल ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिए और माहित एकेडमी चैनल देखते रहिए। थैंक यू।